हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईडीटी। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके राजस्थान बीएससी नर्सिंग, एबीवीएमयू पैरामेडिकल एंड फार्मेसी इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन से। एंड यस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोल देना चाहती हूँ दैट जब भी मैं कोई क्वेश्चन रीड करूँ तो आप लोग प्लीज़ कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करिए एंड खुद से आंसर गेस करा करिए। इससे क्या होगा, आप लोग खुद एनालाइज़ कर पाएंगे कि आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आप लोग कितना क्वेश्चन करेक्टली गेस कर पा रहे हैं, कितने रॉन्ग कर रहे हैं, एंड देन फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो आप लोग मैच कर लिया करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच गैस सैचुरेशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ ऑक्सीजन। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट गैस होती है, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हाउ मच ब्लड इज़ प्रेजेंट इन एन एवरेज एडल्ट। एवरेज एडल्ट में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शन है 10 से 12 लीटर, 2 से 3 लीटर, 5 टू 6 लीटर एंड 20 से 25 लीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ 5 टू 6 लीटर। एवरेज एडल्ट में जो ब्लड का पोर्शन होता है वो 5 से 6 लीटर का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द चेस्ट वॉल मूवमेंट्स ओवर द एपेक्स ऑफ हार्ट। चेस्ट वॉल मूवमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। आपके ऑप्शन है एपेक्स कार्डियोग्राफ, बैलेस्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि एपेक्स कार्डियोग्राफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ERG व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज टू पिकअप सिग्नल्स। ऑप्शन है डिस्क इलेक्ट्रोड्स, रेटिनल इलेक्ट्रोड्स, वैक्यूम टाइप इलेक्ट्रोड्स, PH इलेक्ट्रोड्स। ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी, यानी कि रेटिनल इलेक्ट्रोड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो क्या किसका बना होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि प्लाज्मा। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द ब्लड परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी टोटल बॉडी वेट में ब्लड का कितना परसेंट होता है। ऑप्शन है 5 से 10%, 20 से 30%, 2 to 3% एंड 10 से 15%। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 5 to 10%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर द चेस्ट ऑपरेशन द पेशेंट फील्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, देन द पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू आ। जब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको किससे कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन है पेसमेकर, डिफेब्रिलेटर, वेंटिलेटर, हार्ट लंग मशीन। तो वह करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द आइडियल मेम्ब्रेन शुड पजिस्ट डैश टू वाटर। ऑप्शन है लो परमेबिलिटी टू वाटर, हाई परमेबिलिटी टू वाटर, मीडियम परमेबिलिटी टू वाटर, हाई परमेबिलिटी टू वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि हाई परमेबिलिटी टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस द मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर इज। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एम्पलीफायर है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है सिंगल एंडेड एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, चॉपर एम्पलीफायर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ चेस्ट वॉल मूवमेंट्स। चेस्ट वॉल मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन है 0.025 से 0.05 हर्ट्ज, 0.05 से 0.1 हर्ट्ज, 0.1 से 20 हर्ट्ज, 20 to 100 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी कि 0.1 से 20 हर्ट्ज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रोविजन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइसेस सच एज स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस। आपके ऑप्शन है प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, लैप्रोस्कोपिक, ऑग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि लैप्रोस्कोपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहे हैं द परसेंटेज ऑफ सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड में सेल का परसेंटेज कितना होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपका हीमेटोक्रिट वैल्यू, पैकेट कॉर्पसल्स वैल्यू, पैकेट हीमेटोक्रिट वैल्यू, कॉर्पसल्स वैल्यू। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि हीमेटोक्रिट वैल्यू। ब्लड में सेल्स का परसेंटेज कितना है इस चीज़ को हम बोलते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, व्हाट डज रेड ब्लड सेल्स कंटेन फॉर कंबाइनिंग विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बोल रहा है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में ऐसा क्या होता है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंबाइन कर लेता है। तो आपके ऑप्शन है प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, लिपिड्स, प्लेटलेट्स। तो आपका करेक्ट आंसर है बी यानी कि हीमोग्लोबिन। जो एच बी हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंबाइन कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द डायलाइजर इज नोन एज। जो डायलाइजर में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है सेकेंडरी वॉल्यूम, क्वार्टरली वॉल्यूम, प्राइमरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। आपका करेक्ट आंसर है सी यानी कि प्राइमरी वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड। जो नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है। ऑप्शन है 20.3 ml%, 20.5 ml%, 19.4 ml%, 20.1 ml%। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 19.4 ml%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच प्रिंसिपल इज यूज फॉर ईयर ऑक्सीमीटर यूजुअली। आपका ऑप्शन है इन वीवो, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, इन विट्रो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि ट्रांसमिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।